नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और एजुकेशन आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास ये एसर का लैपटॉप है और इसकी स्क्रीन के मिसहैंडलिंग की वजह से इसका हिंज टूट गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंज को कैसे रिपेयर करते हैं, वो भी सिर्फ 50 रुपीज में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। चलिए चलते हैं। सो दोस्तों, ये देखिए टूटा हुआ है और चलिए इसको फिक्स करते हैं जल्दी से। सो इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों हम लोग को 3 चीज़ों की ज़रूरत है और ये 3 चीज़ें इस प्रकार है। तो व्हाट विल रिक्वायर दोस्तों, क्या क्या लगेगा हम लोगों? सबसे पहले तो एक सी क्लैंप लगेगा, ये आपको हार्डवेयर में मिल जाएगा, इसको जी क्लैंप भी कहते हैं। एरेलडाइट एपॉक्सी रेजिन और हार्डनर लगेगा आपको, ये एरेलडाइट का है, एरेलडाइट का ही लेना क्योंकि अच्छा ब्रांड है। और एक मिनी स्क्रू ड्राइवर सेट, बस इतना ही। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर से पहले लैपटॉप की बैटरी निकालेंगे। तो बैटरी मैंने निकाल दी है, उसके बाद में हम हार्ड डिस्क है उसको भी निकाल लेंगे और जितने भी सारे स्क्रू दिख रहे हैं उनको निकाल लेंगे, क्योंकि ये मेरी दूसरी बार है तो मुझे पता है कि कौन सा स्क्रू खोलना है कौन सा नहीं खोलना है। तो मैंने मोस्टली सब सारे निकाल दिए हैं और उसके बाद में हम लोग लैपटॉप का बैटरी निकालेंगे। तो ये पीछे का पार्ट डिसअसेंबल कर लिया और निकाल लिया इसको, और लैपटॉप के उस स्लॉट में दोस्तों 2 स्क्रू ऐसे हैं जो कि ऊपर के कीबोर्ड को होल्ड करते हैं, तो हमको वो भी निकालना पड़ेगा। रैम निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रैम का वैसे भी कुछ यूज़ नहीं है इसमें, और ना ही आपको सीडी ड्राइव निकालने की ज़रूरत है। इसको सारे स्क्रू हम लोग निकाल दिए हैं देखिए, और इसके बाद में हम लोग का मेन टास्क जो है वो है कीबोर्ड निकालना। कीबोर्ड निकालना ट्रिकी हो सकता है, अगर आपको ये नहीं आता होगा या आपने ट्राई किया और नहीं खुलता होगा तो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये एक्चुअली छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको दबाना होता है और आपका कीबोर्ड जो होता है वो उसके अंदर फिट होता है, तो उसको आप दबाओगे तो आपका कीबोर्ड बाहर आ जाएगा। तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने नाइफ ली है और किसी फैंसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी इससे भी निकल जाता है। और जब भी आप 2 साइड का निकाल लोगे तो आपको बस बाहर खींचना है उसको। तो मैंने बाहर उसको खींच लिया और ये निकल के बाहर आ गया देखिए दोस्तों। तो ये मेन स्टेप है सबसे, और ये थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, संभाल के इसको। फिर एक वायर जो है वो उसको जोड़ती है मेन बॉडी से, तो हम लोग को वो भी निकाल लेना है। तो ये इस स्लॉट में फिक्स है, इस स्लॉट को जस्ट ऐसे ऊपर कर देना और ये बाहर निकल आएगा। तो ये हो गया आपका कीबोर्ड बाहर आ गया। चलिए अब ऊपर का बॉडी निकालने का ट्राई करते हैं, और ये एक्चुअली नहीं खुलेगा क्योंकि और एक जो पावर बटन का आप देख रहे हो वो भी हम लोग को निकालना होगा। तो इसके लिए भी सिमिलर, जस्ट ऊपर उसको प्रेस करना और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर की बॉडी बाहर आ गई और ये कुछ मज़ेदार अंदर से ऐसा दिखता है। सो दोस्तों ये देखो टूटा हुआ हिंज अंदर से, और दोस्तों ये लेफ्ट साइड का है, इंटैक्ट है। ये भी टूटा था तो मैंने एरेलडाइट से चिपकाया था लास्ट टाइम। सो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको ऊपर उसको पुश करेंगे ताकि वो ऊपर आ जाए। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मेरे चाकू को अंदर डाल के ऊपर से उस स्क्रीन को क्रॉस किया, तो अब देखिए ये ऊपर अभी हो गया और वो जो स्क्रू का जो नीचे का बेस था वो टूट गया है, आप देख सकते हो। और इधर ही हम लोग को वो हार्डनर और रेजिन लगाना है और इसको चिपका देना है। दोस्तों ये है एरेलडाइट रेजिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये 40 रुपये का आता है, शायद 25 रुपये का है कुछ। तो आपको ये हार्डनर और रेजिन 50-50 लेना है और दोनों को मिक्स कर देना। दोस्तों मैंने पेंसिल लिया है इसके लिए, अच्छी तरह से मिक्स कर ले। और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप हो जाएगा ये, और इसको जस्ट अप्लाई कर देना। ये मैं अप्लाई करने का प्रोसीजर पूरा बताऊंगा आपको, क्योंकि शायद आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना क्वांटिटी लगाना है और कहाँ कहाँ लगाना है। तो ये पार्ट मैं एडिट नहीं करूँगा, थोड़ा सा स्क्रू पे भी लगा लेंगे इसको, फिर ये अच्छे से चिपक जाएगा।
जितना है उतना पूरा लगा देना, और एक ही एरिया में लगाना ज्यादा। और फिर धीरे से उस हिंज को हम लोग नीचे कर लेंगे। मैं अपनी इंडेक्स फिंगर यूज़ करूँगा इसके लिए, इसको पकड़ के स्क्रीन पीछे कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। हाँ अभी ये बैठ गया है, और पीछे से फिर वापस थोड़ा सा आगे ले लेंगे स्क्रीन को, ताकि वो खुद का प्रेशर ना डाले उस पर। ये दोस्तों मेरी सेटिंग है, ये मेरे टेबल के बाहर मेरा लैपटॉप रखा है, मतलब पीछे भी टच है, अच्छे से रेस्ट भी कर रहा है, और वो थोड़ा सा बाहर है टेबल के, आप देख सकते हो। थोड़ा सा और बाहर खींच लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये है जी क्लैंप दोस्तों, और जी क्लैंप को हम लोग पूरा ओपन करके उधर फिट कर लेंगे। तो इसको अच्छे से फिट कर लेना, ज़्यादा भी फिट नहीं करना, क्योंकि नीचे का जो बेस है वो प्लास्टिक का है तो वो टूट सकता है। तो बस थोड़ा सा फोर्स लगे उतना सा ही उसको टाइट करना, और टाइट करने के बाद में हल्का सा हम लोग स्क्रीन को आगे ढक लेंगे, ताकि स्क्रीन का जो प्रेशर है वो उस पर ना आए। इसको मैंने ढक लिया है ताकि धूल वगैरह ऐसे कुछ बैठे नहीं, मैंने पेपर से ढका है इसको दोस्तों। इसको 24 आवर्स के लिए रखना होता है एरल लाइट को, मैंने 30 आवर्स के लिए रखा है क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो दोस्तों 30 आवर्स के बाद कुछ तो ऐसे लगता है, हम लोग इसको खोल देंगे जल्दी से और देखेंगे कि ये फिक्स हुआ है या नहीं। चलिए ये भगवान देखते हैं कैसे। तो चलिए इसको बंद करते हैं और इसको ओपन कर लेंगे दोस्तों। ये अच्छी तरह से चिपक गया है, देखिए दोनों साइड का अच्छे से। ये थोड़ा सा क्लोजअप व्यू लिया है मैंने, देखिए ब्लैक कलर का वो एरेंडाइट और रेजिन हार्ड हो गया अभी, थम्स अप। उसके बाद में आपको जैसे आपने डिसअसेंबल किया था वैसे ही असेंबल करना है आपको, सारे स्क्रूज सब कुछ लगा देना है वापस जैसे था वैसे, और ये फाइनली ऐसे दिखता है। ठीक है, ये टूटा हुआ है वो एक्चुअली बॉडी का प्रॉब्लम है वो। तो दोस्तों मेन चीज़ तो चालू होना चाहिए पीसी, और क्योंकि हम लोग ने लैपटॉप का कीबोर्ड निकाला था तो वो चलना ज़रूरी है, तो वो हम लोग चेक करेंगे अभी। लैपटॉप तो स्टार्ट हो गया, इसका मतलब हार्ड डिस्क का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड डिस्क क्योंकि हम लोग ने निकाली थी। और ये कीबोर्ड देखते कुछ टाइप करते चलिए। हाँ ये देखिए चल रहा है, देखो तो दिस वर्क्स। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, थम्सअप दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और घंटी भी बजाओ। थैंक यू।